अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूं जुनेद हलीम। पहले एक नजर दुनिया हेडलाइंस पर। इंग्लैंड काउंटी गेम्स में भारतीय सट्टेबाजों के मुलविस होने की तहकीकात शुरू। वर्ल्ड कप में पाक भारत सेमीफाइनल समेत कई आलमी मैचेस में खिलाड़ियों को रकम की पेशकश की गई। मेयर बुखारी चेयरमैन और साबिर बलोच डिप्टी चेयरमैन सेनेट नामजद। इत्तेहादी जमातों ने सदर जरदारी के फैसले की तौसीक कर दी। इंतखाब 12 मार्च को होगा। एनआरओ अमल दरामद केस में वकील से मुशावरत के बाद आइंदा लाहे अमल का फैसला किया जाएगा। वजीर आजम की सहाफियों से बातचीत। कराची में सीएनजी स्टेशन 24 घंटे के लिए बंद कर दिए गए, शहरी परेशान। एशिया क्रिकेट कप का मेला आज ढाका में सजेगा। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और बांग्लादेश मदे मुकाबले होंगे। और शहजादा हैरी ब्राजील में डायमंड जुबली तकरीब के मौके पर नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ रग्बी और वॉलीबॉल खेलते रहे। दुनिया न्यूज से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट दुनिया न्यूज.tv।